अब्दुल्ला गुल साहब, तो ये कौम अलग सोचती है, हम मुख्तलिफ ममालिक में देख रहे हैं फ़लस्तीन के हक में एहतजाज हो रहा है, नारे हो रहे हैं, हुक्मरान अलग तरह सोचते हैं कि वो इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात आगे बनाएं, वो तो ये दोनों अलग अलग सोच है, लेकिन फ़लस्तीनियों की मदद के लिए सोच हुक्मरानों में क्यों नहीं? रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पहली बात यह है कि जो दुनिया के स्टैंडर्ड्स हैं वो जहाँ ज़ाहिर है मगरब को बादशाहतें पसंद हैं वो बादशाहतों को परवान चढ़ाते हैं, जहाँ मार्शल लॉज पसंद हैं वहाँ मार्शल लॉज को परवान चढ़ाया जाता है, और अभी भी दुनिया में लगे हुए हैं। थाईलैंड के अंदर एक किस्म का मार्शल लॉ ही लगा हुआ है, लेकिन वो तो अमेरिका का बहुत यार गार है। और इसी तरीके से जहाँ उनको जमहूरियतें पसंद हैं या कोई और सिस्टम पसंद है वो उसी के ऊपर चलते हैं। अब देखना यह है कि अगर इन डबल स्टैंडर्ड्स के ऊपर या मल्टीपल स्टैंडर्ड्स के ऊपर रह के दुनिया चल रही है और ये निज़ाम चलाना है, तो फिर छोड़ दें ये बातें ह्यूमन राइट तो फलाना इंसानी हकूक OIC और UN और इस तरह से जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस जो मौजूद हैं वो फौरन याद आ जाता है आपको। जो सूडान के अंदर अगर दो टुकड़े करने हो मुसलमान रियासत के, तो आप जो है वो UN फौरन पहुंच जाता है। जब इसी तरीके से यमन के अंदर जो मामला हो तो सारे पहुंच जाते हैं। अफगानिस्तान के अंदर जो है 48 ममालिक घुस जाते हैं अमरीका समेत, लेकिन नतीजा क्या निकलता है? एक तरफ तो अमरीका ये कहता है कि जी हम जो है वो दहशतगर्दों से बात नहीं करेंगे, दूसरी जगह वो अफगान तालिबान को दहशतगर्द भी कहता है और साथ ही साथ जो है उनसे दोहा में मजाक भी करता है। अब ये देखें कि दहशतगर्दी जो है वो कौन कर रहे हैं, वो तो इसराइल कर रहा है, उसको तो दुनिया मान रही है ना। अब तो ये देखे ना, दुनिया ने इस बात को अब रोका नहीं जा सकता। 3000 से ज्यादा शहादतें जो है वो गजा में हो गई हैं, 9000 लोग जो है वो जख्मी हैं। इसके अलावा जो मामलात हैं वो आपके सामने हैं, वो आप अगर उसके ऊपर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसराइल बार बार बहाने तलाश करता है। लेकिन ये कहना कि ये अभी हुआ है तो अभी नहीं हुआ, 2011 में जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो बमबारी इसी तरह से की गई थी, हर बार आहिस्ता 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 गजा को जो है कम कर दिया गया। 1947 का अगर आप नेशनल ज्योग्राफिक का मैप देख लें तो आपको पता चलेगा कि नेशनल ज्योग्राफिक के मैप के अंदर बड़ा वाज़े जो है स्टेट ऑफ फलस्तीन ही लिखा हुआ है, इसराइल का कहीं जिक्र ही नहीं है। तो फिर कहां से आ गया इसराइल? तो फिर नाजायज कौन है, गासिब कौन है, जालिम कौन है, दहशतगर्द कौन है? लेकिन फलस्तीन के साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है ना, अगर ये बात कहनी कि तमाम इस्लामी ममालिक जो है अगर और कुछ नहीं तो आप तेल और गैस जो है उसके ऊपर ही थोड़ा सा आप लोगों को जरा हाथ रोकें तो आप देखें कि आपको बड़े डिजायर्ड रिजल्ट्स मिल जाएंगे, लेकिन हम ये करने के लिए भी तैयार नहीं। हमने इसी तरीके से जब डेनमार्क में, स्वीडन में, दीगर जगहों के ऊपर जब मामलात चले तो हमने ये गौर किया कि इन ममालिक के अंदर भी, जहां ये डेनमार्क वगैरह के अंदर जहां नऊज़ुबिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के ऊपर जो है सवाल पैदा हुआ, उसके ऊपर भी हमने ये देखा कि लोगों ने कोई परवाह नहीं की और वहां उसकी मसनूआत खरीदते रहे। जहां अगर हुकूमतों का कसूर है तो हमारी आवाम भी जो है मेरे ख्याल है कि उसकी वो कसूरवार है। आवाम को भी ये सोचना पड़ेगा, आवाम को भी ये समझना पड़ेगा कि जो हम मामलात चला रहे हैं इस तरह से नहीं चलेगा। सारा का सारा आप जिम्मेदारी हुकुमरानों पे नहीं दिया करते। अवामी प्रेशर जो आप बात कर रहे हैं वो बड़ा जरूरी है, और अगर वो अवामी प्रेशर आए तो यकीनी तौर पर वो नीचे होते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।